रजिश मिल रही है एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खिलाड़ी श्रीसंत के दोस्त अभिषेक को जमानत मिल गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, श्रीसंत का दोस्त अभिषेक जिसे जमानत दे दी गई है, दिल्ली पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था और अब जो ताजा अपडेट है इस मामले पर वो ये कि अभिषेक को जमानत मिल गई है। अभिषेक से भी पूछताछ दिल्ली पुलिस ने की थी लेकिन देश से बाहर नहीं जाने की शर्त पर ही ये जमानत अभिषेक को दी गई है। श्रीसंत का सहयोग करने के आरोप में ही गिरफ्तारी की गई थी और अब ताजा अपडेट ये है कि जमानत मिल गई है लेकिन देश से बाहर नहीं जाने की शर्त अभिषेक के सामने रखी गई है। कल गिरफ्तारी हुई थी और अब जमानत पर रिहा हुआ है अभिषेक। श्रीसंत का दोस्त है अभिषेक जिसे दिल्ली पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग का मामला जिसमें दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है, जांच में भी सहयोग करना होगा ये भी अभिषेक को कहा गया है। साथ ही कहा गया है देश से बाहर आप नहीं जाएंगे। अपडेट के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता वरुण जैन का। वरुण, सशर्त जमानत मिली है अभिषेक को? जी हाँ बिल्कुल, अभिषेक शुक्ला को आज दिल्ली अदालत ने जमानत दे दी। कल दिल्ली पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार किया था और उसके बाद उसे मुंबई लेकर गई थी दिल्ली पुलिस को, वहां से रिकवरी करनी थी और दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने यह भी बताया था कि उन्होंने करीब 5.5 लाख रुपए अभिषेक की निशानदेही पर बरामद भी किए हैं। और आज इसके बाद जब साकेत कोर्ट में अभिषेक को पेश किया गया तो वहां पर अदालत से जमानत मिल गई। हालांकि शर्तें लगाई गई हैं जिसमें अभिषेक अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और वो विदेश को छोड़ के नहीं जा सकता, साथ ही उसे पुलिस के साथ कॉपरेट करना होगा। लेकिन साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस को भी कहीं ना कहीं फटकार लगाई है। अदालत का कहना था कि किसी के साथ घूमना कोई अपराध नहीं होता तो वो किस तरीके से धोखाधड़ी की जो धाराएं हैं वो अभिषेक के ऊपर लगा रही है। तो उसके बाद जो अदालत की उन्होंने जो अभिषेक है उसको सशर्त जमानत दे दी और अब जो अभिषेक है उसने ये कोर्ट के सामने कहा है कि वो पुलिस को पूरी तरीके से कॉपरेट करेगा, जब पुलिस उसे पूछताछ करना चाहेगी वो इसके सामने हाजिर होगा। देश से बाहर नहीं जाएंगे ये भी शर्त रखी है, साथ ही कहा है कि जब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो पूछताछ में पूरा सहयोग करना होगा। शुक्रिया वरुण ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।